मस्तुलिट तो बन रहा है वो उसका बन रहा है लेकिन हरीरा आपका वो सारा सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है यूट्यूब में जाओ वो लाइव करके आ रहा होगा यूट्यूब में दिखा दिया होगा लिंक तेरा उसको ग्रुप में शेयर भी कर सकते ओपन करो तो दिख रहा होगा लाइव नहीं सर मैं इसमें क्या करूं क्लास स्टार्ट होने वाला है लेकिन ना हां हां उसमें चलो ठीक है जो है सो है फिलहाल आपको जो पढ़ना है आज किसके बारे में पढ़ना है अकबर अकबर के बारे में पढ़ना है और आपने जो है कल बहुत अच्छे तरीके से कुछ पॉइंट पढ़ाया था शेर स्वागत ऑनलाइन वाले जो थे उन लोगों का शेर स्वागत थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है मैं कल भी डला दिया था उसको एक बार पढ़ के देखिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे बिल्कुल बराबर उसको कंसल्ट करिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसका पूरा निराकरण मैं करूँगा कोशिश करें लेकिन उससे खुद से पढ़ने की ठीक है आ जाओ यार सारे आ जाओ अरे सब अपने अपने जितने हैं ना सुन लो इधर जो है ना आप लोग के जो भी परिचय वाले सब में डाल दो ग्रुप को कहीं भी डाल सकते हो ठीक है ना शेयर किया करो जितना हो सकता है उतना शेयर किया करो चलो ठीक है फिलहाल आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे और अकबर के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटा छोटा तथ्य भी जानना पड़ेगा जैसे कि अकबर के जो पिताजी थे उसका नाम क्या था हुमायूं अकबर के पिताजी का क्या नाम था हुमायूं अकबर के दादा का क्या नाम था अकबर के दादा बाबर कौन था बाबर अकबर के दादा कौन थे बाबर ठीक है आपने इसके बीच में पढ़ा एक और शासनकाल आता है किसका शासनकाल आता है किसका शासनकाल आता है शेरशाह सूरी तो शेरशाह सूरी जो है ये भी अब बीच में आपका क्या करेगा भारत में शासन करेगा फिलहाल आप चलते हो छोटा छोटा तथ्य है जो आपके एग्जाम में बनते हैं उस पे जो है अपन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे चलिए आज की शुरुआत करते हैं भाई दोस्तों एक चीज आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अकबर जो था भारत में अगर कहा जाए कि मुगल काल का सबसे महान राजा था ठीक है तो मुगल काल का वाकई में सबसे महान राजा क्योंकि इसने जो है आपका हर प्रकार की नीति अपनाई जिसमें जो है सांप्रदायिक भावना जो है क्या हो आपकी किसी की छेड़ ना हो दोस्तों बात की जाती है अकबर की तो इसने जो है आपका सन 1556 से लेकर के 1605 तक शासन किया ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं 1556 से लेकर 1605 तक जिसने शासन किया वो कौन सा राजा था आपका अकबर दोस्तों अकबर की बात की जाए तो अकबर का जो रियल नेम है वो है आपका जलालुद्दीन 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 मोहम्मद अकबर मोहम्मद अकबर जैसे कि आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम होगी मुझे ऐसे पता लगता है कि बाबर का जो रियल नेम था वो क्या नाम था आपका जहीरुद्दीन और हुमायूं का रियल नेम क्या था आपका क्या नाम था हुमायूं का रियल नेम भूल गए नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं वेरी गुड बहुत बढ़िया सुना तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो अकबर जो है आपका क्या था भाई इसका रियल नेम था बोला जाए इसका वास्तविक नाम तो दोस्तों इसके वास्तविक नाम तो ये थे आप बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में पढ़े थे कि जो अकबर है दोस्तों यह राज्याभिषेक जो होगा इसका यह होगा आपका 14 साल की उम्र में अब जब ये 14 साल की उम्र में इसका राज्याभिषेक होता है कारण आपको मालूम भी होगा और उसके पहले बात की जाए अकबर के जन्म की तो इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर सन 1942 को प्यारे दोस्तों अकबर का जन्म होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकबर का जन्म कब हुआ आप बोलोगे सर कब हुआ 15 अक्टूबर सन 1942 को 15 अक्टूबर सन 1942 को ठीक है इसका जो वास्तविक नाम जो था वो क्या था आपका जलालुद्दीन अकबर 1542 ठीक है तो इनका जो वास्तविक नाम जो था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर राजा
अभिषेक जो होगा वो कब होगा? 14 साल की उम्र में। इनके माता जी की बात की जाए तो माता का जो नाम था वो क्या था? आमिरा बानो बेगम। आमिरा बानो बेगम ये इनका क्या था? माता जी का नाम। नेक्स्ट चर्चा की जाए इनके बारे में तो इनकी एक जो है उपाधि थी, और इनकी जो उपाधि थी वो उपाधि का नाम था इनका गाजी। क्या नाम था उपाधि का नाम? गाजी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है भाई। सबसे पहला सवाल, अकबर 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया। दूसरा, वास्तविक नाम जो है अकबर का क्या नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। फिर राज्याभिषेक कितने साल की उम्र में हुआ? 14 साल। माता का क्या नाम था? आमिरा बानो बेगम। स्वामी क्या लिया इसने? गाजी का। अब ये पैदा कब हुआ? तो इसका जो पैदा हुआ जो जन्म स्थान है या जन्म स्थान बोलेंगे वो क्या है? 15 अक्टूबर 1592। ठीक है। अब दोस्तों ये बहुत अच्छे तरीके से आपको इन सब चीजों को याद रखना है। फिलहाल बात की जाए, आप इसके चाचा के नाम बता सकते हो मुझे? इसके तीन चाचा हुआ करते थे, क्या क्या नाम था जी? कामरान अस्करी। कामरान के बाद अस्करी। अस्करी के बाद कौन था? हिंदाल। कामरान अस्करी और कौन था? हिंदाल। ये इसके जो है क्या थे? चाचा। ठीक। तो कामरान अस्करी और हिंदाल जो है ये अकबर की क्या हुआ करते थे? चाचा हुआ करते। अब इसमें से सवाल बनता है कि ये हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है? दोस्तों याद रखना कि ये जो पहला जो इसका बोला जाए अकबर को, जो जिसने आपका बोला जाए बहुत अच्छे तरीके से शासन प्रशासन करने की शिक्षा दी, तो उसके चाचा में जो सबसे ज्यादा क्लोज था वो था अस्करी। ठीक है, उसके चाचा में सबसे ज्यादा जो क्लोज हुआ करता था वो कौन था? अस्करी। लेकिन एक बात सुनना ध्यान से कि ये जो हिंदाल था, इस हिंदाल की बेटी थी जिसका नाम था रुकैया। हिंदाल की बेटी का क्या नाम था? रुकैया। हिंदाल की बेटी का नाम क्या था? रुकैया। हिंदाल की बेटी का नाम क्या था? रुकैया। रुकैया से जो है अकबर को प्यार हो गया। ठीक है, रुकैया जो है किसकी बेटी है? उसके चाचा की बेटी है। रुकैया किसकी बेटी है? अकबर के चाचा की बेटी है। ठीक है, तो अपने चाचा की बेटी से जो है कौन शादी कर लेगा? अकबर। उसका नाम क्या था? रुकैया। तो रुकैया वेट से हो गया भाई किसके साथ में? अकबर। तो ये पॉइंट क्या रखना कि रुकैया जो है ये शादी करती है इसके साथ में अकबर। ये देखो ये पहले इसकी शादी। ठीक है, अब दोस्तों ये प्रोसेस जो है बहुत अच्छे तरीके से चलता है। फिलहाल थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद में दोस्तों आप अकबर के बारे में देखते हो, जीवन क्रम के बारे में, तो अकबर का बोला जाए जो सबसे ज्यादा क्लोज हुआ करता था उसका नाम था बैरम खान। अकबर का सबसे ज्यादा जो क्लोज था वो कौन था आपका? बैरम खान। अकबर का सबसे ज्यादा क्लोज कौन था? बैरम खान। अकबर का सबसे ज्यादा क्लोज कौन था? बैरम खान। अब दोस्तों अकबर का जो सबसे ज्यादा क्लोज बैरम खान, इस बैरम खान ने ही अकबर को 1556 से लेकर के 1560 तक शासन को चलवाया। तो इसमें भले ही जो है आपका अकबर राजा था, लेकिन शासन प्रशासन चलाने का जो कार्य करता था वो कौन करता था? बैरम खान। बोले तो बैरम खान के नेतृत्व ने अकबर ने 4 साल शासन किया। अकबर का बैरम खान के नेतृत्व में अकबर ने कितने साल शासन किया? 4 साल। ठीक। अब इसीलिए बैरम खान को जो है प्रेम करता था बहुत, और इसने इसका नाम रखा था यार वफादार। क्या नाम रखा था? यार वफादार। यार वफादार, और इसे एक और नाम से भी पुकारता था, खान बाबा। आपने वो मूवी देखी क्या अकबर? क्या नाम था उसका? अकबर ही नाम था क्या मूवी का? जोधा अकबर। जोधा अकबर में आप देखना जब युद्ध होते रहता है तो खान बाबा करके चिल्लाता है। देखियो पटनू था बैरम खान को, नहीं देखे हो तो जाके यूट्यूब में देख लेना, दिख गया। तो बैरम खान जो था यह यार वफादार और खान बाबा के नाम से जाना जाता था। किसके द्वारा ऐसा कहा जाता था इसको? ऐसा अकबर। अकबर जो है बैरम खान को किस नाम से पुकारता था? यार वफादार। और किस नाम से पुकारता था? जी खान। ध्यान से सुनो, अकबर का कार्यकाल कितने से कितने? 1556 से 1605। वास्तविक नाम क्या था इसका? अकबर का पैदा जो हुआ था वो कौन सा सन था भाई? 15 अक्टूबर 1942। इसने जो है 1542। यस। उसके बाद राज्याभिषेक कितने साल में? 14। माता का नाम क्या था? आमिरा बानो बेगम। उपाधि क्या लिया? गाजी। इसकी शादी होती है हिंदाल के बेटी के साथ। हिंदाल इसका क्या था? चाचा की बेटी रुकैया से विवाह करेगा। फिर उसके बाद 1556 से 1560 तक इसने जो है आपका बैरम खान के नेतृत्व में शासन किया। अकबर जो है बैरम खान को किस नाम से पुकारता था? यार वफादार। और क्या बोलता था जी? और क्या बोलता था? खान बाबा। ठीक है, अब ये जो है बैरम खान के जो है इस तरीके से जो है आपका याद रखना है, सब छोटे छोटे पॉइंट है। नेक्स्ट आप देखते हो दोस्तों कि अकबर जो है यह
सन 1560 से लेकर जब इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी मृत्यु हो जाएगी अब बैरम खान की, तो 1560 से लेकर के 1562 तक, 1560 से 1562 तक दास जो है शासन करते थे इसके काल। तो 1560 से 62 तक जो है इनका शासन चला था इसमें दासों का, ठीक है। अब उसी दास का जो शासन है उसी को बोलते हैं हरम दल। क्या बोलते हैं? हरम दल, स्त्रियों का शासन, पेटीकोट शासन। तो पूछता एग्जाम में पेटीकोट शासन जो है आपका कब तक रहा, तो बोलोगे 1562 तक। लेकिन आपसे एक पॉइंट पूछ सकता है भाई कि वास्तविक रूप से दास का शासन कब समाप्त हुआ, तो वास्तविक रूप से 64 में समाप्त होगा। वास्तविक रूप से कब समाप्त होगा? 64। लेकिन अगर आप देखा जाए कि पूर्ण रूप से दास प्रथा जो है आपका कब तक चली, कंट्रोल कब तक था, 62 तक। तो ये जो है इसके छोटे छोटे तथ्य हैं। फिलहाल आप और देखेंगे इसके बारे में, 63 में भी काम करेगा, 64 में भी काम करेगा, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर निपटा देगा 63 में, 64 में जरिया कर को निपटा देगा। तो सब अभी अच्छे से अपन पढ़ेंगे उसको। फिलहाल इसे जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्लीज जल्दी करिए। तुम लोगों को कार्ड देने की जरूरत है क्या? नहीं लगेगा ना? कैसे विवेक? देखना जरूर चाहिए। हाँ, पीछे में देख लीजिए, पीछे में रखा है। अभी मैं देखो, क्लास के बाद देखना। एक भाई रहेगा तो क्या होगा? बस इतना लिखो। किसकी बेटी है? बेटी का नहीं सुन पाया, तो बहुत ज्यादा दुखा। और उसका, उसके चाचा की बेटी है, सगे चाचा की। हां तो कहे इंदाल की बेटी है उसके सगे चाचा की। अमीरा बानो उसकी मम्मी का नाम, उसकी मां का नाम हमीदा बानो बेगम। गाजी तो उपाधि लिया, ठीक है, चलो हो गया, मालूम चल गया भाई आपने रास्ते पर सुनते आए हैं सब। चलो देखो, पहले मुझे बताओ अकबर का कार्यकाल कब से कब? जन्म कब हुआ इसका? 14 अक्टूबर। अकबर जो है आपका कितने साल की उम्र में राजा बना? 14 साल। कितने आपका जो है पैदा कब हुआ? 42 में, ठीक है। अकबर के जो है आपका दोस्त का क्या नाम था? बैरम खान। संरक्षक कहलाता था, संरक्षक कौन था? बैरम खान। बैरम खान को किस दो नाम से पुकारते हैं? इसके जो है आपका आपका उपाधि क्या था इसका? गाजी। गाजी का उपाधि था। 1560 के बाद देखो दोस्तों, ध्यान से सुनना, इसके बाद अब बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन हुआ। 1560 में हेमू नामक एक हिंदू राजा रहता है,
हेमू, क्या नाम रहता है? हिंदू, हिंदू राज। अब इधर से जो आएगा कौन सा जो है आपका, इधर लड़ने आता है अकबर, और अकबर के साइड से जो युद्ध करने वाला रहता है वो कौन रहता है? बैरम खान। बैरम खान, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, अकबर यह बैरम खान के नेतृत्व में युद्ध करता है और हेमू जो है खुद ही अपने आप में कैपेबल होता है। हालांकि एक बात और सुन लो कि हेमू का जो सेनापति था वो मुस्लिम था, हेमू का जो सेनापति था वो क्या था जल्दी बोलो, मुस्लिम। ठीक है, तो ये देख लो भाई 1560 में हेमू और अकबर के मध्य युद्ध हुआ, लेकिन अकबर की तरफ से जो युद्ध करेगा वो कौन करेगा? बैरम खान। और हेमू जो था ना दोस्तों, ये हिंदू राजा था और इसका जो सेनापति हेमू खुद भी जो है आपका बहुत पराक्रमी था, इसको भी जान लो, ये खुद भी युद्ध करता था। ठीक है, इसको कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन क्या हुआ पूर्ण रूप से युद्ध में जीतने के बाद हेमू का हारने का जो एक ही कारण है, आप समझ लो अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हो, इस चोटी में आप बैठे हुए हो, यहाँ पर बैठा हो, यहाँ पे जो है आपका युद्ध क्षेत्र है, इस क्षेत्र से अगर आपको मैं कह दूं कि आपके ऊपर निशाना लगाना है, आप बताओ मुझे कठिन है कि आसान है? सोच के बताओ। आसान है, आसान है भाई, वो तो दिख रहा है टारगेट, टारगेट दिख रहा है, पत्थर मारते हो कि नहीं फेल पौधे को? टारगेट दिखता है तो पत्थर मारते हो कि नहीं? तो ये टारगेट के जैसे हाथी ऊपर में बैठा था, कौन बैठा था टारगेट के जैसे हाथी में? और बैरम खान का जो तीरंदाज था, इस तीरंदाज ने घोड़े से ही इसके जो है आंख में जो है आपका क्या मार दिया? तीर। और जब एक बार राजा को तीर लग जाती है ना, तो फिर वो युद्ध जो है क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक, प्रतिनिधित्व खत्म। तो ये बेचारे के साथ, हेमू के साथ ये गड़बड़ हुआ, हाथी में बैठा हुआ था, यहां से जो है आपका एक तीरंदाज ने उनके आंख पर जो है आपका क्या मार दिया? तीर। हेमू जो है युद्ध में हार गया और हेमू को ले जाकर खड़ा कर दिया गया अकबर के सामने। अकबर जो है बच्चा था, बैरम खान कहता है कि यही है आपका हेमू जिसने जो है आपके खिलाफ जो है गद्दारी की, आप इसका गला काट दीजिए। हेमू कहता है भाई ऐसा तो आपका जो है, हेमू को ऐसा कहता है कौन? कहता है ऐसा आपका बैरम खान। बैरम खान के कहने पर अकबर कहता है कि हम जो है अभी इसका गला काटने लायक नहीं हूं। 14 साल का तो था ही बेचारा, अभी अभी पैदा हुआ है, ठीक से युद्ध हो गया उसका। ठीक है, 1556 में युद्ध होगा। कब युद्ध होगा? 1556 में। और ये 1556 के युद्ध को कहते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का कौन सा युद्ध? द्वितीय। तो 1556 में पानीपत का जब द्वितीय युद्ध होगा हेमू और अकबर के मध्य में, हेमू जो है युद्ध में हार जाता है, हाथी पर चढ़े हुए हेमू पर तीरंदाजों ने भरसक प्रहार किया और एक प्रहार जो है उनके आंख को चीरते हुए खोपड़ी के पार निकल गया। और जब हेमू को अकबर के पैर के नीचे लाया गया, तब बैरम खान के कहने पर अकबर ने गला नहीं काटा, फिर स्वयं बैरम खान ने उसके गले को जो है क्या कर दिया? तीर से फाड़ दिया, मतलब गला धड़ अलग कर दिया। तो बैरम खान ने उसे गले काटा, अकबर क्या बोला? छोटा था। ठीक है, तो ये जो है इसका जो है कहानी है। याद रखना पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होगा? 1556। अभी जो है 1556 से लेकर के 1560 तक पूर्ण नियंत्रण रहेगा किसका? बैरम खान। और ये बैरम खान जो है आपका क्या रहेगा भाई? इसका संरक्षक के रूप में कार्य करता रहेगा। किसके संरक्षक के रूप में? अकबर के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। बैरम खान के दो नाम, जिस नाम से पुकारता था, यार वफादार और क्या खान बहादुर, तो ये जो है इस तरीके से बुलाता था। बैरम खान जो है 1960 में, ध्यान सुनो, 1960 में बैरम खान, 1960 क्यों निकल रहा है, 1560 में बैरम खान और अकबर का युद्ध हो जाता है। बैरम खान और अकबर का युद्ध 1560 में होगा। मैंने क्या बोला? खुद मरी जो रही है मन। और इसको कहते हैं तिलवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? तिलवाड़ा। ध्यान से सुनो, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना। बैरम और अकबर ने 1560 में युद्ध कर लिया, क्यों? 56 से लेके 60 तक बढ़िया चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत है? लेकिन 60 में देखो अपने आप को ही राजा समझने लग गया बैरम खान, अकबर से पूछता ही नहीं था, तो गुस्से में आ गया कौन? अकबर। मोरो कुछ इज्जत है, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि जब ये प्रशासन मैं देखूंगा, किसी को कुछ भी जो है टिंडे दे देता था कुछ बिना पूछा, तो इसमें जो है अकबर का ईगो हर्ट हुआ जी। तो बैरम खान बोलता है कि चलो ऐसा है तो आप में और हम में कितना दम है देखते हैं। बैरम
अकबर खान जो है अकबर के साथ युद्ध करता है, युद्ध का नाम मैंने क्या बताया, तिलवाड़ा का युद्ध। और इस तिलवाड़ा के युद्ध में अब जाहिर सी बात है राजा के साइड ही ज्यादा सैनिक होगी, हारा कौन, बैरम खान। जब बैरम खान हारता है और अकबर जीता तो उसके बाद में बैरम खान को अकबर ने मारा नहीं, क्योंकि वैसे भी उसका क्या था, यार वफादार था, हाकी ने उसको बहुत शासन जीत के दिया था। तो बैरम खान को कहता है अकबर कि देखो भैया ऐसा है कि आप सब कुछ अच्छा किए हो, बस आप जो है यहां से निकल जाओ, कहां से, मेरे राजपाट से। या तो आप क्या कर लो, या तो आप जमींदारी व्यवस्था संभालो, या आप जमींदारी नहीं कर सकते तो जाओ आप हज चले जाओ। हज कहां पे, मक्का, मक्का। बैरम खान को दो ऑप्शन दिया, कितना ऑप्शन, या तो जमींदारी काम कर लो, या क्या कह दिया, हज चले जाओ। बैरम खान कहां चल दिया, हज जाता है कौन, बैरम खान। तो बैरम खान 1560 में तिलवाड़ा के युद्ध में हारने के बाद किधर की ओर जाता है, हज। अब जब हज जाते रहता है, बोले तो कौन हज जाते रहता है जी, बैरम खान। अरे कौन हज जाते रहता है, बैरम खान। जब हज जाते रहता है तो हज जाते समय गुजरात में, बोले तो किधर की ओर, गुजरात में इनको जो है मार दिया जाता है। तो इसकी हत्या कर दी गई थी कहां पर, गुजरात। गुजरात से निकलता, बोंगा बैठ के जाता लेकिन भाई के साथ में क्या हो गया, ट्रेजेडी हो गया। अब वो अभी भी जो है आपका कहते हैं कि कोई और मारा है, लेकिन वो कौन मारा कौन नहीं मारा वो सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि राजा से युद्ध किया है, गद्दारी है कि नहीं है, ठीक है, मार दिया। गुजरात में बैरम खान की हत्या हुई 1560 में, और 1560 के बाद में अब जो है जो शासन चलेगा वो चलेगा आपका किनका भाई, पर्दा शासन। कैसा शासन, पर्दा शासन, पर्दा शासन। पर्दा शासन को ही और किस नाम से जानते हो, पेटीकोट। और किस नाम से जानते हो, दास। और कौन से जानते हैं, हरम दल। ठीक है, स्त्री शासन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, स्त्री शासन। इतना सारा नाम है, पर्दा शासन, स्त्री, मतलब कौन शासन कर रहे हैं पता ही नहीं था। 1560 से 1564 तक ये आपको जो है पता ही नहीं था कौन शासन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अकबर का हाँ में हाँ मिलाया जाता था, अकबर के जो है आपका ये सब इनके साथ में जो है आपका बैठता था। अब सवाल उठता है कि ये जो पर्दा शासन यानी कि जो पेटीकोट शासन यानी कि जो दास शासन, बोले तो हरमदल शासन, बोले तो स्त्री शासन, इन सब में प्रमुख कौन था, बोले तो कौन था जी आपका, रुकैया ने, रुकैया भाया तो उपाधि है उसकी, भाया भाई साथ उसकी उपाधि है। आदम खान था सबसे प्रमुख, सबसे प्रमुख कौन था, आदम खान। ठीक है, भाया तो सीरियल वाला होगा, ठीक है। तो जो रियल है, जो इन सब में पर्दा फाशन में सबसे प्रमुख जो था वो कौन था, आदम खान, आदम खान प्रमुख। इन सब चीजों को कभी भूलना नहीं, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एक बार फिर से सुन लो, कहानी टाइप का दिमाग में रखो। सबसे पहला चीज, 1556 से 1560 कौन शासन किया, अकबर। अकबर का सहयोगी कौन था उस समय, बैरम खान को किन दो नाम से जानते थे। इसके बाद 1560 में, 1560 में क्या है भाई आपका, 1556 में कौन सा युद्ध करता है, पानी का युद्ध, हेमू और किसके मध्य में, अकबर। अकबर का नेतृत्व कौन किया, बैरम खान। जीता की हारा, जीता फिर उसके बाद हेमू को मार दिया। उसके बाद 60 में फिर से इसका बैरम खान और अकबर के मध्य विवाद होती है, युद्ध होता है, कौन सा युद्ध, तिलवाड़ा का। तिलवाड़ा के युद्ध में कौन जीता, अकबर। अकबर ने दो जो है आपका ऑप्शन दिया, या तो भाई आप चलो जाओ जमींदारी करो, या फिर जाओ क्या, हज जाओ। तो इसने क्या चुन लिया, हज जाओ। हज जाते रहते हैं, गुजरात में इसको मार देते हैं। गुजरात में मारने के बाद में इसका जो है आपका 1560 से 1564 तक कैसा शासन चलेगा, पर्दा शासन। पर्दा शासन मतलब पेटीकोट शासन, पेटीकोट शासन मतलब दास, दास मतलब हरम, हरम मतलब स्त्री। अरे कोई दिक्कत है समझने में, नहीं है। 1560 से 1564 तक पूर्ण रूप से जो है आपका आंसर इसको लेकर चलना। लेकिन देखो कुछ कुछ सवाल जैसे एग्जाम में फंसाता है, कह दिया 1560 से 1562 में सबसे अधिक शक्तिशाली, अधिक शक्तिशाली क्वेश्चन कौन था, 1560 से 1562 में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन था, हरमदल। हरमदल सबसे शक्तिशाली,
और 1564 में कम शक्तिशाली, खत्म नहीं हुआ था लेकिन शक्तिशाली जो जो, जो थी वो क्या हो गई भाई, शक्ति कम हो गई, कम शक्तिशाली। तो 1560 से 62 सबसे अधिक शक्तिशाली हरंदर, और 63 से 64 जो है इनकी शक्ति हरंदर वालों की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो है आपका याद रखना है, बहुत अच्छे सवाल है। ये अकबर जो है देखो कई काम किया भाई, अपना सब पढ़ाओ मत, परेशान जाओ एग्जाम में नहीं पूछता। एक और सुन लो, बहुत सारा पूछता नहीं एग्जाम में, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। जैसे एक चीज सुन लो, अकबर जो है ये टेंशन मत लेना, कोई गलत नहीं किया था, अकबर ने बैरम खान की पत्नी शादी कर ली। शादी का जो मुख्य कारण है वो ये है कि अगर बैरम खान की पत्नी से वो शादी नहीं करता तो उसकी पत्नी को कोई सम्मान नहीं करता, तो उसको रानी की उपाधि देने के लिए उसने जो है क्या कर लिया था, शादी कर लिया, ऐसा कहा जाता है। ठीक ठीक है, तो उसमें नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो जो है इतिहास है। ओके हाँ हाँ गुंडा गली के नाम दिया हूँ तेरे को, क्या नाम दिया हूँ, क्या नाम दिया। ठीक चलो सवाल पूछे, एक सवाल पूछे बताओगे, चलो बताओ हरमदल का शासन कब से कब था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 किसके किसके मध्य हुआ था। ठीक गुड, बताओ अगला सवाल, इसने जो है बैरम के साथ कौन सा युद्ध किया, कौन जीता, अकबर ने बैरम खान को कहाँ भेज दिया, सच में इनकी जाते समय कहाँ मृत्यु हो गई, गुलाम गिल को मार दिया। 1560 से 64 किसका शासन चलेगा, हरमदल, हरमदल। ठीक है, और सबसे ज्यादा शक्तिशाली कब रहता है हरमदल, 60 से 62, और 63-64 में क्या हो जाता है, शक्ति थोड़ा कम, लेकिन ऐसा नहीं कि कम। इन सब का मुखिया कौन था जी आपका, आदम खान, कौन था, आदम खान। ठीक, सजेशन तो अकबर का मतलब फाइनल होता था, देखो मतलब समझ लो कि कुछ भी काम करता था तो उस सब से पूछ के करता था। उसको खत्म कर दूं, क्या बोलते हो आप लोग, तो उन लोग इसको राय देते थे, नहीं नहीं ऐसा मत करिए, अभी अभी पैसा बचाना है, अब ये करेंगे, अभी चुनाव में खर्चा कैसे करेंगे, ये अकबर उनकी सुनता था, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी, अकबर उनकी सुनता था, उसका मन जो होता था वो करता था, राजनीतिक पॉलिटिकल नहीं होना भाई। ठीक है, उधर कांग्रेसी बैठा है, इधर दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो इन सब चीजों से कोई अपने मतलब नहीं है, एग्जाम में पूछेगा कि बताइए भाई हरमदल का शासन कब से कब, अरे बोलो कब से कब, 60 से 64। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, अभी रुकना है क्या, और हाँ जल्दी लिखो, इसके बाद में 1563 और 64 में भारत में बहुत बड़ा चेंजेस होगा, क्या चेंजेस होगा भाई, 1563 में लिखो अपनी कॉपी में, 1563 में भारत में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया, 1563 में भारत में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया। कुछ किताबें कहती हैं कि जोधाबाई के कहने पर ऐसा हुआ, तो ये जो है आपका 1563 का समय था कि कौन सा कर समाप्त हो गया आपका, तीर्थ यात्रा। 1563 के बाद 1564 में आपका जो है जजिया कर को समाप्त करेगा, एग्जाम में इसको पूछता है, कोई भी भूलना नहीं है। सबसे पहला 1563 में कौन सा कर समाप्त, तीर्थ यात्रा कर, कौन सा कर समाप्त, तीर्थ यात्रा कर। तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने के बाद इसने क्या किया 1564 में, 1564 में इसने क्या किया आपका जी,
जजिया कर को समाप्त कर दिया, जजिया कर समाप्त, पुनः जजिया कर लगाएगा औरंगजेब, और पुनः जजिया कर को समाप्त करेगा आगे चलकर वो कौन करेगा, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। तो ये 63 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने वाला बोलो कौन, अकबर, और 64 में किसने जजिया कर को क्या कर दिया, समाप्त। अब इसके बाद ये प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, ध्यान से सुनते जाना। इसके बाद दोस्तों अकबर जो है यह आपका 1564 में पूर्ण रूप से शासन अपने हाथ में ले लेता है, अभी तक अप्रत्यक्ष शासन कर रहा था, भले ही शहंशाह था, लेकिन जो है आपका कैसा शासन कर रहा था, अप्रत्यक्ष। अब पूर्ण रूप से जो है आपका इसी के हाथ में आ गया हर चीज, मतलब 1564 के बाद जो भी निर्णय लेगा, कुछ भी निर्णय, वो सब किसके जो है आपके द्वारा लिया जा रहेगा, अकबर के द्वारा। हर निर्णय अकबर के द्वारा लिया जाएगा, कोई भी आपका जो निर्णय होगा चाहे किसी प्रकार का, वो सब किसके हाथ में रहता है, अब अकबर। तो आपका बोला जाए पूर्ण रूप से अकबर के हाथ में नेतृत्व जो आया वो कब आया, 1564। चलो पैदा कब हुआ, 42। पैदा कब हुआ, ठीक, राज्याभिषेक कब हुआ, 1556। कौन सा युद्ध किया फिर, पानीपत का युद्ध, 1560 में क्या किया भाई, भीलवाड़ा का युद्ध, किसको भगा दिया, 1500 आपका जो है 60 में उसको भगा दिया, 1560 में उसको भगाया, फिर 60 से 64 इनका शासन रहा हरंदर, बहुत शक्तिशाली कब थी हरंदर, 62। 1563 में कौन सा कर समाप्त किया, फिर से 1564 में कौन सा कर समाप्त किया, कौन सा कर, और उसके बाद में अब 1564 में ही इसके हाथ में पूर्ण सत्या क्या हो जाती है भाई आपकी, आ जाती है। इस बात को समझ के चल रहे हो क्या, एक एक पॉइंट क्लियर है, ठीक। तो ये जो है आपका 1564 है, अब शुरू होगा अकबर जो है आपका कौन कौन सा कार्य करेगा उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अकबर जो है कार्य बहुत सारा करेगा, लेकिन पहले हम देखेंगे इसकी युद्ध अभियान। सबसे पहला चीज, अकबर जब राजा बन जाता है और उसके बाद में देखा जाए कि भाई सबसे पहला अभियान कौन सा था, तो आप बोलोगे सर पानीपत का द्वितीय युद्ध। लेकिन एक बात सवाल और बन जाता है कि जब इसने सत्ता अपने हाथ में प्रत्यक्ष रूप से ली, तो अकबर जो है खुद जो है आपका नेतृत्व करेगा और खुद युद्ध करेगा। तो अब जो सबसे पहला जो युद्ध करेगा वो करेगा आपका चित्तौड़ का अभियान। बोलो कौन सा अभियान, चित्तौड़ का अभियान। दोस्तों चित्तौड़ के अभियान की जब भी चर्चा की जाए तो आपको याद रखना है इसका सन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सन जो था वो था आपका 1567। बहुत ध्यान से सुनो, मैं जो कह रहा हूँ उसको कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1567 क्या भूलोगे क्या इसको, नहीं। 1567 में जो आपके यहाँ पे राजा हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, उदय सिंह। इतिहास कहता है कि उदय सिंह ने जो है आपका युद्ध किए बिना ही जो है आपका रण क्षेत्र छोड़ दिया, ऐसा कहते हैं। परंतु ये आपका गलत है, ऐसा नहीं था। अकबर और उदय सिंह के मध्य में युद्ध होता है, हालांकि आपका उदय सिंह भी जो है इसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करेगा। किसकी सत्ता स्वीकार नहीं करेगा, अकबर। अकबर क्या करता था, ध्यान से सुनो, अकबर जो है जितने भी राजपाट हुआ करते थे, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, चाहे आप जिसके भी हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, सभी के राजा को, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ के राजा को भेजता था पत्र, और पत्र भेजकर कहता था कि भाई आप हमारी क्या स्वीकार कर लो, अधीनता। उदय सिंह के पास भी भेजता है, उदय सिंह आप अभी देखोगे तो आपको पता चलेगा, उदय सिंह जो है इसका ये राणा सांगा का वंशज है। किसका वंशज, ये राणा सांगा का वंशज कौन था, उदय सिंह। और उदय सिंह का जो पुत्र हुआ वो आपका अभी पढ़ोगे, उसका नाम था क्या भैया आपका, महाराणा प्रताप। अभी बताऊंगा, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर सुनो। तो चित्तौड़ का जो अभियान 1567 में अकबर ने किया, उस समय पर जो राजा हुआ करता था वो कौन था, उदय सिंह। उदय सिंह युद्ध में हारा कि जीता, हारे। अकबर जो है आपका क्या करता है, इस युद्ध को जीत लेता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उदय सिंह जो है आपका क्या होता है भाई, इस युद्ध में भले ही हारता है लेकिन अधीनता अभी भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करेगा, पूर्ण रूप से अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। तो इसमें जो है 67 के बाद में नेक्स्ट जो अभियान होगा इसका दूसरा, वो है गुजरात का अभियान। गुजरात का अभियान हुआ था 1571 में। कब हुआ, 1571। गुजरात के अभियान में बात की जाए दोस्तों, तो यह अभियान जो है यह हम मुजफ्फर
मुजफ्फर तृतीय के साथ में युद्ध करता है। ध्यान से सुनना, गुजरात का उस समय राजा, देखो कुछ भी राजा बनता था गुजरात में, ठीक है, तो ये मत सोचो कि पूरे गुजरात में उसका नियंत्रण था, छोटा सा एक क्षेत्र है वहां उसका नियंत्रण, तो गुजरात बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, गुजराती बोलेंगे, ठीक है। तो गुजरात के क्षेत्र में नियंत्रण हुआ करता था उस समय किसका, मुजफ्फर तृतीय का। ये देखो उदय सिंह और इसका जो बेटा है जिसका नाम महाराणा प्रताप है उसका बहुत सम्मान करता था अकबर। ध्यान सुनना, मुजफ्फर तृतीय को अकबर की सेना पकड़ के लाती है, किसके सामने, अकबर के सामने, मुजफ्फर तृतीय को बैठाती है, सम्मान राजा है, युद्ध में हारने के बाद भी पहले बैठा है, अभी भी युद्ध में अगर कोई दो देश युद्ध करते हैं तो प्रतिनिधि बैठेंगे, अभी ज़ेलेंस्की और वो युद्ध होगा ना व्लादिमीर पुतिन का, मान लो कि ज़ेलेंस्की साइन करेगा कि भाई हम हमें जो है आपका पीस जो है करना है, युद्ध नहीं लड़ सकते, तो ज़ेलेंस्की को टेबल में बैठाएगा बाकायदा, वोडका पिलाएगा उसको, लोग वोडका पियो बोले, उन लोग वोडका पीते हैं रसिया वाले, समझ में आए कि नहीं, दोनों बैठ के इज्जत सम्मान से बात करेंगे, ऐसा थोड़ी कि मतलब भगा देंगे, भाग रहे हैं ऐसा नहीं, कैसे भाई टाइम लोग ऐसा हम लोग टाइम तो थोड़ी, वैसा नहीं होता, राजा महाराजा लोग राजा महाराजा। तो वैसी जो है मुजफ्फर तृतीय बुलवाया अकबर, बट अब मुजफ्फर तृतीय को भी राजा के जैसे रिएक्ट करना चाहिए, नहीं किया, अकबर के सामने जो है नीचे गिर गया, माफ कर दो प्रभु गलती हो गया, बोलता है मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, पूरा राजपाट जो है सब ले लो मुझे छोड़। अकबर बोलता है भाई तू जा, मतलब जो राजा का जो सम्मान होना चाहिए वो राजा का सम्मान मुजफ्फर तृतीय का बिल्कुल नहीं किया, किसने नहीं किया, एक बात और याद रखना, सिकंदर का युद्ध पढ़े हो, किसके साथ में युद्ध किया, पोरस के साथ युद्ध हुआ, पोरस क्या लास्ट तक अधीनता स्वीकार कर रहा था उसका, नहीं, अपनी बेटी को बोल, अपनी पत्नी को बोला, रेक्सोना को कहता है राखी बांध इसको, है बहुत देख रही, राखी बांध, ठीक। तो सिकंदर उसकी बहन बन गई, तो सिकंदर जब उसकी बहन बनी तो पोरस वह आक्रमण नहीं किया, किसके खिलाफ, फिर से सिकंदर खिलाफ, ठीक है। तो ये जो है राजा का एक अलग टाइप का होता है, अब एकदम जोर जोर टाइप का, अरे प्रभु गलती हो गया अकबर साहब, नहीं ये नहीं करना था अकबर, ये जो है अकबर सबसे मजाकिया जो है राजा, इसको बोल सकते हो आप मुजफ्फर तृतीय, ठीक है। हारने के बाद अकबर के जो है घुटनों में जाके गिर गया, अकबर बोला हटा इसको, भाग यहां से, भागा। तो ये जो है आपका याद रखना कि सबसे पहला अभियान इसका कौन सा था भाई, जब पूर्ण रूप से सत्य हत्या लिया तब, कौन सा, चित्तौड़, ऐसे तो पहला अभियान कौन सा था, पानीपत का तृतीय, ठीक है। और उसके बाद इसने चित्तौड़ में किसे, उदय सिंह के बाद फिर गुजरात का अभियान 1571, जब यहाँ जीतता है तो कौन सा दरवाजा बनाएगा जी, बुलंद दरवाजा, गुजरात में बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है, बुलंद दरवाजा, एग्जाम में पूछता है इसको, बुलंद दरवाजा, गुजरात में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया, गुजरात के बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया, अरे बोलो किसने किया, अकबर। गुजरात के अभियान को जीतता है, बुलंद नगर दरवाजा बनवाता है। अच्छा ये जो है आपका जब इसको जीतेगा आगरा में बनवाएगा, बुलंद नगर दरवाजा, फतेहपुर सिकरी, नाम सिकरी है सर, फतेहपुर सिकरी आगरा में जाकर निर्णय लेगा, आगरा में निर्णय लेगा, बनाएगा बुलंद दरवाजा को। गुजरात को जीतने के बाद में कौन से सन में हुआ था ये युद्ध जी, 1571, जल्दी छापो जल्दी, आगरा
अब देखो जी, आप अभी पढ़ रहे थे चित्तौड़ का अभियान, चित्तौड़ के अभियान में आपने पढ़ा भाई उदय सिंह जो है आपका इसकी अधिकता को स्वीकार नहीं करता है, जो आपका निर्णायक जो है बोला जाए वो भी निर्णय निकल कर नहीं आता है सामने। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका कौन सा भाई आपका मुजफ्फर तृतीय को कौन हरा देता है आपका अकबर जो है आपका, इसको हराने के बाद क्या बनवाता है फतेहपुर सीकरी में बुलंदर। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो अभियान है वो है आपका गोलकुंडा का अभियान 1576, नाम है इसका गोलकुंडा का अभियान। दोस्तों गोलकुंडा के अभियान की बात करूंगा मैं, ध्यान से सुनो आपका जो है सबसे पहला चीज तो देख लो, महाराणा प्रताप जो थे ये क्या हो गए थे भैया राजा बनने लायक हो चुके थे, ध्यान से सुनेंगे। इसका जो ये इसके पिताजी का नाम क्या था आपका उदय सिंह जो है ये किसका वंशज था, इसके दादाजी राणा सांगा, ठीक है। एक और राजा थे बीच में, आपको उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन राणा सांगा के वंशज थे, इसको जानो। अब दोस्तों 1576 में जब गोलकुंडा का अभियान होगा तो इस 1576 के गोलकुंडा के अभियान में जो स्थान था युद्ध क्षेत्र का उसको कहते थे हल्दी घाटी। क्या कहते थे? हल्दी घाटी। देखो कॉन्सेंट्रेट होके सुनो, 76 को उल्टा करोगे तो बनेगा वो कितना 67। तो देख लो पिता ने युद्ध किया 67 में, बेटे ने युद्ध किया 76, समझ में आया कि नहीं? 67 को उल्टा करोगे तो कितना बनेगा 76। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? इसको याद रखना भाई। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध होगा, ये हल्दी घाटी का युद्ध भारत के इतिहास में सबसे जो है स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाता है। कारण क्या है ध्यान से सुनो, अकबर के सेनापति का नाम था मानसिंह। अब मानसिंह जो था ध्यान से सुनो, ये जो है एक तो पहले से ही इसको जो है राजनीति और साथ में जो बोला जाए आक्रामकता जो था इसके अंदर फूट फूट के भरा हुआ था। इनके हाथ अंदर में महाराणा प्रताप जो था इसके दो साथ, एक थी भील, एक थी कौन बोलो भील, और एक था लोहार। तो सबसे ज्यादा जो जिसके पास में रहते थे महाराणा प्रताप, जब बचपन में राजा भी नहीं बने थे, राजा नहीं बने थे तब भी कह रहा हूं, वो सबसे करीब रहते थे भीलों और लोहारों के। तो भील जो थे इनके बाद इनके लिए बोला जाए कि यह जो है आपका युद्ध कला में निपुण हुआ करते थे। कौन से कला में निपुण हुआ करते थे? युद्ध कला। जबकि लोहार जो रहते थे यह आपके क्या बनाने में अच्छे रहते थे? अस्त्र शस्त्र बनाने में जो निपुण हुआ करते थे। तो अस्त्र और शस्त्र बनाने वाले के पास में बैठते हो, युद्ध कला में निपुण के पास बैठते हो, जैसी संगति वैसी आप जो है कन्वर्ट हो जाओगे। युद्ध करने वाले भीलों से इनकी इतनी क्लोज जो है आपका बोला जाए जो है निजता थी, बहुत क्लोज थे उनकी, ये इनको भी जो है कीका कह कर पुकारते थे। तो कीका किनका नाम है इतना पूछता है, कीका किनका नाम था? कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं आप? हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप के दो साथी बोलो कौन? कौन सा युद्ध? अकबर का सेनापति कौन? महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। क्या नाम? चेतन नहीं, चेतक। क्या नाम था? चेतक। क्या नाम था? चेतक। क्या नाम था? चेतक। अब ये जो है इस पूरे प्रोसेस में ध्यान से सुनते जाओ, आप एक चीज और जान लो कि महाराणा प्रताप की हाइट बहुत ज्यादा थी। इनका जो हाइट था वो 7 फीट 5 इंच का। अगर खड़ा होता पता कभी तो रेम स्टूडियो वर्सेस द ग्रेट खली हो जाता, समझ में आया? मैं हूं ऐसे ठाक मार नहीं सकता, अगर भी फ्रंट टू फ्रंट इससे नहीं कर सकता, ठीक है। 7 फीट 5 इंच का छोटे साथी संगियों को लेके नहीं चलता। इसको क्यों सब पूछते हैं महाराणा प्रताप को? कारण केवल एक ही है, जो नीचे थे उनके साथ में इसने क्या कर लिया भाई, अपना मधुर संबंध बना लिया। बोले तो इनके साथ में इनका क्या होगा भाई, कनेक्शन जो था बहुत अच्छा,
वो तो 1576 में अकबर सोचा नहीं था कि इस तरीके का युद्ध हो जाएगा। उसके भाई ने भी धोखा दिया, मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है मैं पढ़ा दूंगा। एक तो दोस्तों सवाल नंबर पहला कि अकबर के सेनापति का नाम जो था वो क्या था, मानसिंह, और गोलकुंडा के अभियान में महाराणा के जो साथी थे वो कौन कौन थे, भील और लोहार। ठीक, और इसके साथ में इन्होंने जो है आपका एक चीज और क्या कर दिया हल्दी घाटी के युद्ध में, इसका जो है आपका एक छोटा सा जान लो 81 किलो का भाला था। कितने किलो का भाला यूज करते थे, 81। कितने किलो का भाला, 81। अब कवच लगाते थे, यहाँ कवच लगाते थे 72 किलो का कवच। घोड़ा भी तो चेतक था, तो नाम था तो बाप खड़ा है सबका, घोड़ों का बाप हो समझे। वो 3 पैरों से 22 किलोमीटर दौड़ा था, कितने पैरों से, 20 किलोमीटर। गलती से फट जाता अकबर तो क्या हो जाता भाई, चीर फाड़ देता उसको, बड़ा खतरनाक था। तो ये जो है इसके हैं कुछ इतिहास, इस पे ज्यादा अपन चर्चा नहीं करेंगे। कभी ऐसे मान लो कि स्पेशल डाल दी आपके में, इसमें डाल दिए स्पेशल कि भाई महाराणा प्रताप की जीवन गाथा या जीवनी, तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको इसको उतने डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, फिर भी पराक्रम है उसको जानो। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में, एग्जाम में PSC3 में कई बार पूछा है भाई, फिर पूछ सकता है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, इस युद्ध अभियान का क्या नाम था, गोलकुंडा। अकबर के सेनापति का नाम क्या था, क्या है हाइट इसकी, महाराणा प्रताप की, इसके साथी कौन, भील और लोहार। ठीक, कितने किलो का भाला, 81 कवच, पता नहीं था कि नहीं, लेकिन ऐसा करते हैं कि था। ठीक है, अब देखो एक बात और सुन लो कि देखो अब हर जगह आप यार एक बात समझो, हर जगह वो लेके नहीं जाता था, 81 किलो का भाला वो हर जगह उठा के नहीं जाता था। ठीक है, जब उसको जरूरत पड़ता था तब लेके जाता था, समझ में। अब आप भाई आपके पास ब्रह्मास्त्र है, भारत के पास है कि नहीं है, तो क्या हर जगह ब्रह्मास्त्र, ऐसी छूट पूट नक्सली हमला कर रहा है तो मार देगा क्या ब्रह्मास्त्र को, लगा रहे ब्रह्मास्त्र बोलेगा नहीं, उसको जब जरूरत पड़ता था तब उठा, समझ में आया कि नहीं। अब ये सब जो है प्रतीक चिन्ह है जी, मतलब ये नहीं कि वो भाला लेकर जाता था तो हर जगह 81 किलो, प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, उसके प्रतीक, उसके सम्मान के रूप में ये, जैसे आप देख सकते हो इसके भाला को जो है इंग्लैंड चुरा के ले गया अपने म्यूजियम में लगाया है। ठीक है, हर चीज को चुरा लेते हैं भाई, छोटा लोग हैं, तलवार को भी उठा के ले गए। ठीक है, हाँ सब वही है। तो चलो अपनी कॉपी में लिख लो जल्दी से, गोलकुंडा का अभियान, यह हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण राजपूतों ने, इसका कारण राजपूतों में अधीनता नहीं स्वीकारने को मानते हैं। जैसे देखो हमारे छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं ऐसे, आप देखोगे जैसे कि इधर जो आपका हमारे छत्तीसगढ़ में राजपूत नहीं है, ठीक है ना, सिंह है, राजपूत नहीं है, राजपूत अलग है, उठा लो भाई, तो नहीं हमारे यहाँ राजपूत नहीं है, कम है लेकिन है। जो इधर जो है आपका हमारे इधर क्षेत्र साइड मिलते हैं, मध्य छत्तीसगढ़ साइड मिलते हैं, राठौर, राठौर बोलते हैं, राठौर जानते हैं, राठौर मध्य छत्तीसगढ़ मिलते हैं, राठौर बहुत एग्रेसिव है। राठौर शादी में जाओ लड़ाई नहीं हुआ तो ऐसा हो नहीं सकता, कोई राठौर है क्या इस क्लास में, तो बहुत एग्रेसिव उनके में भी है थोड़ा सा यही वाला खून, एग्रेसिवनेस है उनके में, ठीक है, बहुत एग्रेसिव। ठाकुरों की शादी में जाओगे तो मिल जाता है, थोड़ा बहुत खून है। इसके छोटे छोटे पॉइंट थे, आप अगर लिख चुके हो तो मैं आप आगे बढ़ूंगा, लिख चुके हो क्या, अगर इसका महाराणा प्रताप का
भीलों के द्वारा क्या नाम दिया गया था? इका। ये लोहारों से क्या सीखते थे? अस्त्र शस्त्र। ठीक है, तो ये जो है इसके छोटे छोटे तथ्य हैं। किसी दिन कवि सम्मेलन होगा तो बताऊंगा। हाँ जीता, अरे कौन जीते वो तो अकबर ने जीत लिया ना। अकबर ने जो है आपका अपने क्षेत्र को जीता। महाराणा प्रताप युद्ध हारा नहीं था ना, ये भी याद रखना। युद्ध बिल्कुल नहीं हारा महाराणा प्रताप, इसको जो है जोखिम की मत रखना। ठीक है, तो दोनों साइड से जो है आपका बराबर युद्ध हुआ था। ऐसा नहीं कि कोई भी जो है आपका हारा या जीता, कोई निर्णय नहीं आया था। ठीक है, ये हुआ कि नहीं? ठीक है, एनसीईआरटी ने भी चेंज कर लिया है। पहले जो है आपका लेता था अकबर जीता, अब वो नहीं बता रहा है कि कौन जीता कौन हारा। अब बस कहता है कि दोनों जो है आपके क्या थे? बराबर। समझ में आना कि नहीं? तो महाराणा प्रताप जो है युद्ध में हारे नहीं थे, इस चीज को जो है आपको याद रखना है। क्योंकि अब एनसीईआरटी लेता है, नहीं तो हम तो कहें तो मत हारे भाई। तो ये संधि हुई थी, मतलब कोई संधि नहीं, मारपीट केवल। इसके बाद संधि कुछ नहीं होता था भाई, तो सब चीज अलग थी। असीरगढ़ का जो है आपका नेक्स्ट आएगा अभियान, असीरगढ़ का अभियान। असीरगढ़ के अभियान में लिखते जाओ, यह अकबर का अंतिम अभियान था। अकबर का अंतिम अभियान 1601 में हुआ, 1605 में तो खत्म नहीं हो जाता। यह अकबर का अंतिम अभियान था जिसमें मराठों के शासन वाले क्षेत्र में युद्ध हुआ। मराठों के शासन वाले क्षेत्र में युद्ध हुआ और यह अभियान सोने के चाबी से खुलता है। और यह अभियान सोने के चाबी से खुलता है। असीरगढ़ का किला सोने की चाबी से खुलेगा। ठीक है भैया, असीरगढ़ का अभियान किनके खिलाफ था? मराठों के अभियान, मराठों के खिलाफ। फिलहाल ये जो है आपके अकबर के आज के तथ्य। कल अकबर पूरा खत्म करूंगा मैं। अगर आप जो है अच्छे से पढ़े हो तो मुझे जल्दी जल्दी आंसर देना। अकबर का जन्म बोलो कब हुआ? 1542। फिर उसके बाद 42 के बाद में इसने राजपाट कब आपका पकड़ा? 1556। सब एक साथ आंसर दोगे क्या? चल, राज्याभिषेक कब होगा? राज्याभिषेक कब होगा? 1556 से लेके 1560 कौन सा योगी? जयराम था। वो किस नाम से जानते थे? 1556 में कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम सेकंड युद्ध किसके साथ में हुआ? कौन जीता? अकबर का सहयोगी कौन था? इसके बाद में नेक्स्ट जो हुआ भाई 1560 में इसने फिर से युद्ध किया। कौन सा युद्ध? कौन जीता? कहाँ भेज दिया बैरम खान को? गुजरात भेज दिया भाई। गुजरात के रास्ते में इसकी क्या हो गई? फिर इसके बाद 1560 से 1664 क्या हुआ? अरमदल शासन। अरमदल क्या बोलते हो? स्त्री मतलब दास मतलब पेटीकोट शासन। पेटीकोट रूप से वह आपका इन्हीं के हाथ में। और सबसे ज्यादा शक्तिशाली कब थे? 60 से 65 में कौन सा कर समाप्त किया? तीर्थ यात्रा। 64 में कौन सा कर समाप्त किया? 64 में कौन सा कर? सब भूल जाना खाना, लेकिन आज ये मत भूलना भाई, झरिया कर की समाप्ति हुई 1564। तीर्थ यात्रा का 1560 से 1665 तक किन कौन सबसे शक्तिशाली था? अच्छा, इन हरमदल के प्रमुख का क्या नाम था? क्या नाम था? इसने सबसे पहला जब खुद अपने सत्ता हथियार लेगा 1564 में। अब 1564 में जब खुद हत्या लेता है तो 64 में यह दोस्तों पहला युद्ध अभियान करेगा। तो 64 के बाद में कौन सा भाई? 1567 कौन सा? चित्तौड़ में किसी खिलाफ? उदय सिंह। 1564 में पूर्ण रूप से सत्ता हथियाता है और 67 में पहला अभियान करेगा। कहां पर? उदय सिंह। चित्तौड़ के राजा हराएगा कि जीतेगा? कुछ नहीं। ठीक है भाई, बराबर, लेकिन जीता हुआ लिखता है इतिहास, तो याद रखना जीता हुआ कौन? अकबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आ गए कौन सा भाई आपका? 71 में कौन सा अभियान? गुजरात। और आपके अभियान को जीतने के बाद कौन सा दरवाजा बनाएगा? बुलंद। फिर उसके
उसके बाद में नेक्स्ट जो गतिविधि होगी कहाँ पर 1576 कौन सी घाटी युद्ध उसी को कौन सा अभियान कहते हो गोलकुंडा का अरे गोलकुंडा के अभियान में कौन जीता महाराणा प्रताप ठीक है भाई ओके नेक्स्ट जो हाँ भाई हाँ कौन जीता वही तो बोल रहे हो इतने टाइम से कौन जीता है महाराणा प्रताप ठीक है भाई तो ये जो है आपको दिमाग में रखना है आप पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहले लेते थे अकबर को अब एनसीईआरटी नहीं लेता है किसको आंसर लेता है वही आपका महाराणा प्रताप अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप जाओ ये एनसीईआरटी की किताब लाओ और उसमें से पढ़ लो ठीक है भाई एक्स्ट्रा टाइम निकालो यूट्यूब में मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं फिलहाल आप ये सब चीजें छोड़ो आगे की ओर ध्यान दो इसके बाद में नेक्स्ट जो अभियान होगा वो कौन सा 1601 के अभियान का नाम क्या है असलगढ़ अरे कौन सी चाबी से खुलेगा सोने की चाबी असलगढ़ का जो अभियान था ये किसके खिलाफ था मराठा कौन जीता अकबर कौन जीता अकबर ठीक अब उसके बाद बाकी कल पढ़ना जितना भी है आपका काम है मैं पूछूंगा कल सवाल तो बता चलो तो भाग गए चलो बताओ 41 से 50 तक का वर्ग का 1681 और 42 का है 1764 का 18 सौ